नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। परम पावन दलाई लामा जी का द ब्रिटिश स्कूल के छात्रों को सुखी जीवन एवं परावर्तन विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी और सीक्योंग डॉक्टर लोबसंग संगे ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स के साथ नेतृत्व और खुशी विषय पर संवाद। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती आत्म बलिदान करने वाले शूरमों के प्रति शोक प्रकट किया। धर्मशाला स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ ने भारत सरकार से तिब्बत नीति में पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अमेरिका के चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग ने 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने नई दिल्ली स्थित द ब्रिटिश स्कूल के छात्रों को सुखी जीवन एवं परावर्तन विषय पर संबोधित किया। परम पावन दलाई लामा जी ने सभी विद्यार्थियों को नमस्ते के साथ अभिवादन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं बचपन से भारतीय ज्ञान से शिक्षित हुआ हूं, इसलिए मानसिक रूप से मैं पूरी तरह भारतीय ज्ञान और विचारों से भरा हुआ हूं। शारीरिक रूप से ज्यादातर मेरे जीवन भारत में बिताने के कारण भारत के दाल, राइस और चपाती से स्वस्थ हुआ हूं, इसलिए मैं खुद को भारत का बेटा मानता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन नालंदा परंपरा में मन को शांति प्राप्त करने की विस्तार से बताया है। इसमें विनाशकारी भावना और रचनात्मक भावना के कारण को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक भारत के हजारों वर्ष पुराने नालंदा परंपरा का प्रशंसा करते हैं और कई इसमें रुचि भी रखते हैं। You see, from childhood education about Indian tradition, the Nalanda tradition. So mentally, every part of my brain filled by Indian thought, Indian tradition. Then this physical, the major portion of my life now spent in India. So this physical, you see, survived with Indian dal, Indian rice, Indian chapati. So I consider I'm son of India. The time passes when I meet, you see, different people, particularly scientists, then I really satisfy a subject which we learned from Indian tradition. Everything logical. Analyze, not just faith. इसी 20 जनवरी को परम पावन दलाई लामा जी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम इस पृथ्वी पर पर्यावरण संकट से बहुत चिंतित हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देते हुए अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड में दोबारा शामिल किया है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से अमेरिका का प्रशंसक रहा हूँ। ये देश स्वतंत्र का अग्रसारण, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और विधि नियम में प्रखर रूप से प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार सिक्योंग डॉक्टर लोबसंग संगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई दी है। अपने संदेश में डॉक्टर संगे ने अमेरिका सरकार और लोगों द्वारा तिब्बत मुद्दे के लिए पिछले कई दशकों से समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया है। गत 17 जनवरी 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने ऑनलाइन के माध्यम से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर और स्तंभकर आर्थर ब्रुक्स के साथ HBC के पाठ्यक्रम नेतृत्व और खुशी विषय पर सीधा प्रसारित कक्षा को संबोधित किया था। इस अवसर पर प्रोफेसर ब्रुक्स ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए तथा उनका परिचय देते हुए कहा कि वह मानव एकता के अग्रदूत है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने हार्वर्ड स्कूल के प्रोफेसर और छात्रों के साथ बात करने में अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य खुशहाल जीवन जीना है। जिस तरह हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वच्छता की आवश्यकता है, उसी तरह हमें भावनात्मक स्वच्छता विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हम विनाशकारी भावना जैसे क्रोध और भय से निपट सके। इससे आत्मविश्वास और आशा की भावना हमें अपने जीवन को उपयोगी और सिद्ध दिखने की इच्छा देती है, जिससे मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि आज अर्थव्यवस्था वैश्विक है, परंतु जलवायु संकट से जो खतरा पड़ रहा है वह भी वैश्विक चिंता है। हमें केवल अपने बारे में सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे हम सभी को प्रभावित कर रहा है। अतीत में हमने केवल अपने गांव, अपने राष्ट्र और यहाँ तक कि अपने महाद्वीप के बारे में सोचा होगा। आज हमें हम सब के बारे में सोचना चाहिए। I always talk people. Firstly, we need some sense of oneness of 7 billion human beings. On this planet, we have to live together. And individuals' future depend on them. One individual, one of the 7 billion human beings, or say the group, like that. So, what kind of future? Much depend on present. So, the present younger generation, you are the key people, you see, who create happier future. So, please, the younger generation or these young student, and particularly Harvard University student, now please, you should not think just copy what happened. Oh, now new situation, so now new thinking very necessary. So think more realistic. These ultimately much depend on the mental level. So please think more. अभी हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के धीरू काउंटी के 26 वर्षीय तिब्बती युवा शुरमो द्वारा आत्मदाह करके सर्वोच्च बलिदान किया था। वास्तव में उनके द्वारा तिब्बत के लिए आत्म बलिदान की घटना
17 सितंबर 2015 को हुई थी। उन्होंने चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों पर जबरन थोपे गए चीनी दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आत्मा बलिदान दिया था। इस दुखद आत्मदाह की सूचना मिलने पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने 19 जनवरी 2021 को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने समय समय पर चीनी सरकार और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तिब्बत के अंदर चीनी दमनकारी नीतियों की जगह लोकतांत्रिक सुधार लाने का आग्रह करते रहे हैं। फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं होने के कारण तिब्बती लोग बार बार आत्मदाह कर रहे हैं। धर्मशाला स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ ने अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बत के समर्थन में तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 का कानून पारित करने के उपलक्ष में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर सिक्योंग डॉक्टर लोबसांग संगे, तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के न्याय आयुक्त श्री सोनम नुरपू थाकपो, निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने, कालुन सांसद सदस्य मैत्री संघ के अध्यक्ष अजीत नेहरिया आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा पिछले 25 वर्षों से तिब्बती आंदोलन में समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सीमा टकराव की समाप्ति तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने से होगी। इसलिए यह कठिन सब कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? जब तिब्बत को कब्जा किया उस समय से यह कठिन अभी भी चल रहा है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का सुरक्षा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। जब तक तिब्बत और तिब्बती लोगों को जेन्युइन ऑटोनॉमी नहीं मिलेंगे, तब तक भारत को शांत और सुरक्षा भी नहीं होंगे। ये हकीकत है। इसलिए हमें साथ रहना चाहिए, एक परिवार की तरह हम लोग हैं अभी, इसको मजबूत करके इससे ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री नेहरिया ने कहा कि भारत समेत विश्व के देशों को अमेरिका से सीख लेते हुए तिब्बत के पक्ष में स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से तिब्बत नीति में पुनर्विचार करने की मांग की है। मेरी भारत सरकार से भी इस मंच से यह अपील रहेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तर्ज पर भारत सरकार को भी तिब्बत के बारे में अपनी पॉलिसी को अंतिम रूप देना चाहिए, जिससे कि ये जो बिल पास हुआ है उसको और बल मिले। इसी 16 जनवरी 2021 को अमेरिका के चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग ने 2020 की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया था। यह रिपोर्ट 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2020 के बीच की घटनाओं पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आयोग ने अमेरिका कांग्रेस और राष्ट्रपति को चीन में मानव अधिकार और कानून के शासन की खराब स्थिति में सुधार लाने की सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में यह बताया है कि तिब्बत के अंदर धार्मिक आज़ादी की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी परम पावन दलाई लामा और अन्य लामाओं के पुनर्जन्म की निर्धारण की प्रक्रिया में अपना धावा कर रही है। इसलिए ये आयोग अमेरिका सरकार से तिब्बती बौद्ध धर्म के मामले में चीनी हस्तक्षेप बंद करने तथा परम पावन दलाई लामा जी और चीनी प्रतिनिधि के बीच पुनः वार्ता प्रारंभ करने की सुझाव दिया है। Today, as the chair of the Congressional Executive Commission on China, I am proud to announce the release of the Commission's 2020 annual report on human rights and the rule of law in China. In Tibet, there is no dialogue for a peaceful settlement,
Access is almost impossible, and the Chinese government continues to violate religious freedom, including by claiming that only the government has the authority to select a future 15th Dalai Lama. इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती है. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. मुझे दीजिए आज्ञा. नमस्कार.